पीएम मोदी ने कोरोना महामारी को बताया पिछले 100 सालों में सबसे बड़ी आपदा। अलग अलग जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में कहा, महामारी से डील करने के हमारे तौर तरीकों में निरंतर बदलाव जरूरी, विस्तृत रणनीतियां बनाने की कही बात। जिलाधिकारियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने वैक्सीन की बर्बादी पर जतलाई चिंता। कहा, एक भी वैक्सीन वेस्टेज होने का मतलब है एक जीवन को जरूरी सुरक्षा कवच नहीं दे पाना, इसीलिए वैक्सीन वेस्टेज रोकना जरूरी। कोरोना पर बुलाई वर्चुअल बैठक में पीएम मोदी से नाराज हुई पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। ममता ने कहा, पूरी तैयारी करने के बाद भी बैठक में पीएम ने बोलने नहीं दिया, बैठक में मुख्यमंत्रियों को पुतला बनाकर रखा गया। सोनिया गांधी ने महामारी के दौर में एक बार फिर केंद्र सरकार को दिया सुझाव। पीएम मोदी को लिखा पत्र, महामारी में अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा मुफ्त करे सरकार। ब्लैक फंगस को लेकर केंद्र सरकार सतर्क, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का राज्यों को निर्देश। म्यूकोरमिकोसिस या ब्लैक फंगस को महामारी रोग अधिनियम के तहत एक सूचनीय बीमारी बनाएं। ब्लैक फंगस की दवा एम्फोरिटेरिसिन बी इंजेक्शन के इस्तेमाल के लिए दिल्ली सरकार ने बनाई 4 सदस्यीय कमेटी। इंजेक्शन की बढ़ती मांग और कालाबाजारी के चलते दिल्ली सरकार ने लिया फैसला। योगी सरकार ने कोरोना पर किया बड़ा दावा, कहा राज्य के 90,000 गांव में से 62,000 में नहीं मिला कोरोना संक्रमण। 74,000 से ज्यादा निगरानी समितियां गांव-गांव जाकर कर रही हैं संक्रमितों की पहचान। तावते तूफान का दिल्ली में दिखा जबरदस्त असर, मई में बारिश ने 35 सालों का तोड़ा रिकॉर्ड, दिल्ली की सीमाओं पर बैठे आंदोलनकारी किसानों की व्यवस्था में पहुंची बाधा। केरल की सत्ता दोबारा संभालने वाले पिनरई विजयन का नया मंत्रिमंडल तैयार, वादे के मुताबिक कैबिनेट में सभी नए चेहरों को मिली जगह। 21 सदस्यों का है नया मंत्रिमंडल। कोरोना में बेहतरीन काम करने वाली पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को नहीं मिली जगह। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में 56 साल बाद तैयार होगी अधूरी सड़क। अलीगढ़ और जेवर को जोड़ने वाली सड़क पर 1965 में डाली गई थी सिर्फ मिट्टी, अब जाकर बनेगी पक्की सड़क। पाकिस्तान में 19 साल के टिकटॉक स्टार के साथ हुआ बड़ा हादसा, सुसाइड सीन का वीडियो बनाते समय गलती से खुद पर गोली चला दी, जानलेवा साबित हुआ हादसा। दुनिया में भारत की छवि फिर हुई धूमिल, इंस्पेक्ट इंसाइडर 2021 सर्वे में भारत को मिला 51वां स्थान, विदेशियों ने नहीं माना रहने लायक, सूची में ताइवान को मिला शीर्ष स्थान। सिंगापुर वेरिएंट पर ट्वीट करने के बाद बुरे फंसे अरविंद केजरीवाल, सिंगापुर ने पहले दर्ज कराई कड़ी आपत्ति, अब सिंगापुर सरकार ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल के खिलाफ एंटी मिस इन्फॉर्मेशन कानून यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑनलाइन फॉल्सहुड एंड मैनिपुलेशन कानून लागू किया। सिंगापुर में ऑनलाइन फैलाए जाने वाले झूठ को रोकने के लिए है यह कानून। नेपाल में फिर नजर आई चीन की विस्तारवादी नीति, नेपाल के दाउलखा जिले में सीमा पर कई पिलर चीन ने किए गायब। नेपाल के गृह मंत्रालय ने दाउलखा जिले के विगु गांव में हुई घटना की शिकायत विदेश मंत्रालय से की। पिछले सप्ताह मंगल ग्रह पर ऐतिहासिक लैंडिंग के बाद चीनी रोवर झुरोंग ने भेजी पहली सेल्फी, तस्वीर में सोलर पैनल और एंटीना साफ साफ दिखे, सेल्फी में मंगल ग्रह की मिट्टी भी दिखी। किसानों को मोदी सरकार ने दी राहत, डीएपी खाद के दाम बढ़ने के बाद सब्सिडी 140% बढ़ाई, सब्सिडी बढ़ाने से सरकारी खजाने पर 14,775 करोड़ रुपए का पड़ेगा अतिरिक्त बोझ। देश में महामारी की दूसरी लहर के कारण हवाई यात्रियों की संख्या में आई भारी गिरावट, अप्रैल में घरेलू मार्गों पर यात्रियों की संख्या 26.81% घटकर 57,25,000 रह गई। मई में इस संख्या में और तेजी से आ रही गिरावट के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों और उड़ानों के दैनिक आंकड़े जारी करना बंद किए। भारतीय क्रिकेट टीम इस साल ऑस्ट्रेलिया में डे नाइट टेस्ट मैच खेलेगी, बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने किया ऐलान। जय शाह ने कहा, इतिहास में पहली बार भारतीय महिला क्रिकेट टीम इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिंक बॉल से डे नाइट टेस्ट मैच खेलेगी। बारिश के बीच सपना चौधरी ने कराया फोटो शूट, टाइगर प्रिंट की साड़ी पहने सपना ने फोटो कैप्शन में लिखा, जब भी मैं साड़ी पहनती हूं मुझे टिप टिप बरसा पानी गाने की याद आ जाती है। फैंस इन फोटोज पर दे रहे हैं जमकर प्रतिक्रियाएं। और सलमान खान की फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई ने देश में धमाल मचाने के बाद विदेशों में बनाया रिकॉर्ड, 65 से ज्यादा देशों में टीवी पर लाइव होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बनी।